हमारे अंदर जितनी ताकतें हैं, मैं तो गुज़श्ता पूरे दिनों से, जिस दिन से फ़लस्तीन की मामले की बात शुरू हुई, मैं यही टॉपिक हर हर जगह पूरे पाकिस्तान में बात कर रहा हूँ कि हम मिन हैसुल कौम अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें। अल्हम्दुलिल्लाह बायकॉट की बात चली ना कि यहूदियों की मसनूआत का बायकॉट करें, तो उसमें उम्मत ने बायकॉट में गैरत का काम और गैरत की शक्ल दिखाई है, और ऐसी गैरत की शक्ल दिखाई है कि जो एक मैकडोनल्ड है जो एक यहूदियों के लिए खुराक फराहम कर रहा था, आज वो विड्रॉलिंग पोजीशन पे आया, आज उनके दरवाज़े बिल्कुल सुनसान पड़ गए हैं, वहाँ कोई चीज़ ख़रीदने के लिए जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। लेकिन हमारे मुल्क पाकिस्तान के जो मैकडोनल्ड्स हैं, इस पर पाबंदी की बात आई तो वो कहते हैं जी हम तो वो नहीं हैं, हम तो इसराइली मसनूआत वाले नहीं हैं, हम तो फ़लस्तीन के मुजाहिदीन को मदद फराहम करेंगे। तो दो बातें जहन में रखें, इस धोखे में कभी ना आएँ। अगर आप वो नहीं हैं तो आप दो चीज़ें तब्दील कर दें, बहुत अच्छा मौका है, आप अपना लोगो भी बदल दें, आप अपना मेन्यू भी बदल दें। मेन्यू भी उन्हीं वाला चला रहे हैं, लोगो भी उन्हीं वाला लगाया हुआ है, और फिर भी कहते हैं हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, तो कैसे हो सकता है कि ताल्लुक नहीं? तो बहुत अच्छा मौका है, आप कहते हैं हम उनके मुखालिफ हैं, तो आप अपना मेन्यू बदल दें, आप अपना लोगो बदल दें, हम मानेंगे कि आप दिल के साथ फ़लस्तीन के मुजाहिदीन के साथ ठहरे। और इसी तरह जितने बाकी चीज़ें हैं, इसका भी बायकॉट होना चाहिए। हम में जितने बंदे बैठे हैं, अगर आज हम ये तय कर लें कि हमने पेप्सी नहीं पीनी जिसका पैसा इसराइल को जाएगा, हमने कोक नहीं पीनी जिसका पैसा इसराइल को जाएगा, हमने सेवन अप नहीं पीनी जिसका पैसा इसराइल को जाएगा, हमने मिरंडा, हमने ड्यू नहीं पीनी जिसका पैसा इसराइल को जाएगा, तो कौन सी मुश्किल बात है क्या जगह हम तय कर लें? तो हमारे यहाँ तय करना क्या मुश्किल है? आप मुझे बताएं, मैं आपको बताऊं ना, मेरे 10 दिन के अंदर कम अज़ कम 5,000 किलोमीटर सफ़र हो जाता होगा, 5 से 6,000। मैं घाट घाट में जाता हूँ, हर इलाकों में जाता हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, मैं एक ही पानी पीऊँ, तो नेस्ले का पानी मैं पीता था, मैंने छोड़ा है, और इस पर अल्लाह से तौबा की है कि या अल्लाह ये तो फ़लस्तीन के मुसलमानों के कत्ल में इनका पैसा जाता है। तो मैं एक एक जगह जाता हूँ, मुझे अपनी तबीयत और हाजमे के ख़राब होने का ख़तरा होता है, जब मैं छोड़ सकता हूँ तो मैं आपके सामने रोल मॉडल की हैसियत से कहता हूँ आप भी तो छोड़ सकते हैं, हम ये तय कर लें हम नहीं पियेंगे, क्या मौत पड़ जाती है? और अगर आज हम ये बात तय कर लें कि इस तरह नहीं पियेंगे, तो लोग एक एतराज़ करते हैं कि जी मैं अगर अपने मेहमान के लिए 2 पेप्सी की बोतल नहीं ख़रीदूँगा तो इससे क्या फ़ायदा या क्या नुकसान होगा इसराइल को? फ़ायदा नुकसान बाद में, लेकिन एक बात मैं पूछता हूँ, तेरी एक पेप्सी की बोतल से 2 कलाशनकोफ की गोलियां आएंगी और उसने मुसलमान फ़लस्तीनी के बच्चे के सीने में उतार देनी है, और अल्लाह के दरबार में फरिश्ते तेरे खिलाफ़ ये चार्ज शीट लेकर आए ना कि इसके पैसे से 2 मुसलमान फ़लस्तीनी बच्चों की मौत हुई थी, अल्लाह की कसम जन्नत नहीं जा सकेगा बंदा। बस ये मुझे जन्नत से रोकने के लिए काफ़ी हो जाएगा, मजहबी तौर पर हमें गैरत करनी चाहिए।